रेडी टू मूव 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK लग्जरी अपार्टमेंट ऑन एयरपोर्ट रोड न्यू चंडीगढ़, जस्ट 10 मिनट ड्राइव फ्रॉम चंडीगढ़, नियर टू मेडिसिटी, नियर टू एजुकेशन सिटी एंड ऑल्सो नियर टू PCS स्टेडियम न्यू चंडीगढ़। दोस्तों कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस है आपको आपके फ़ोन में मिलती रहे। सो गाइज, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको लेकर आई हूँ अंबिका फ्लोरेंस पार्क। जी हाँ, 200 फीट की रोड पर 10.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको 9 टावर मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, 80% आपका ग्रीन एरिया आ जाएगा, 20% आपका बिल्टअप एरिया आ जाएगा। सो चलते हैं सोसाइटी को अंदर से देखते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारी सोसाइटी के मेन एंट्रेंस पे। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड जो है इसकी एंट्रेंस रहने वाली है। एंट्रेंस पे ही आपको सिक्योरिटी चेक पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं गार्ड्स की बात करूँ, इन केस कोई अननोन पर्सन आपकी सोसाइटी के अंदर एंटर करना चाहता है तो एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। कोई भी पर्सन यहाँ से बिना किसी अप्रूवल के एंटर नहीं कर सकता। तो अब हम बात करते हैं हमारे पूरे प्रोजेक्ट की। सो एक बार मैं आपको फिर से प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। सो गाइज, अगर मैं हमारे प्रोजेक्ट की बात करूँ, इसमें आपको 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK प्लस यूटिलिटी, 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम एंड 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम रेडी टू मूव कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आप आज ही परचेज करके आज ही यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ फ्लैट साइज़ की, 1305 स्क्वायर फीट से लेकर अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं अंबिका फ्लोरेंस पार्क के अंदर। सो गाइस, सोसाइटी के एंट्रेंस में आपको बहुत ही प्यारा ग्रीन एरिया मिल जाता है। अब मेरे लेफ्ट हैंड पे देखो, बहुत ही प्यारे तरीके से हमारे ग्रीन एरिया को मेंटेन किया गया है। काफ़ी अच्छे फ्लावर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। अगर मैं प्लांटेशन की बात करूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स वगैरह भी यहाँ पर लगाए गए हैं जो आपके इस सोसाइटी को और भी ब्यूटीफुल बनाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी पर्पज को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर आपको एंट्रेंस पे ही आपको CCTV कैमरा मिल जाता है। पूरी सोसाइटी के अंदर आपको CCTV कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड 24/7 यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो गाइस, अगर मैं पार्किंग की बात करूँ, पूरी की पूरी बेसमेंट पार्किंग आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सो ऊपर आपकी गेस्ट पार्किंग आ जाती है। अब मेरे सामने जैसे देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट से यहाँ पर जो है लैंप लगाया गया है जो आपकी पूरी सोसाइटी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल बनाता है। और इसी के साथ ही अगर मैं बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन आपकी सोसाइटी है। पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है, पावर बैकअप, वाटर सप्लाई 24/7 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो गाइस, अब हम हमारे पार्क में आ चुके हैं। हमारे पार्क को 2 हिस्सों में जो है डिवाइड किया गया है। एक किड्स प्लेइंग एरिया है, दूसरा हमारा अडल्ट पार्क आ जाता है। सो अभी मैं खड़ी हूँ हमारे अडल्ट पार्क की तरफ। आप देख सकते हो एंट्रेंस पे ही आपको आपका ओपन जिम मिल जाता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इक्विपमेंट जो है लगाए गए हैं। आप डेली यहाँ पे वर्कआउट करके अपनी फिटनेस पे वर्क कर सकते हो, अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हो। साथ ही साथ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काफ़ी अच्छे मैट लगाए गए हैं। इन केस अगर आप कभी बाय चांस गिर जाते हैं तो आपको किसी भी तरीके की यहाँ पे चोट नहीं आएगी, इतने सॉफ्ट हमारे यहाँ के मैट है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ सो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे वॉकिंग ट्रैक्स मिल जाते हैं। आप रोड डेली वॉक जो है वॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ सो बहुत ही ब्यूटीफुली हमारे जो है ग्रीन एरिया को प्लान किया है। काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे जो है प्लांट्स वगैरह लगाए गए जो आपके पार्क को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं।
सो थोड़ा सा आगे चलते हैं हमारा किड्स प्लेइंग एरिया आ जाता है। तो गाइस बच्चों की सेफ्टी को लेकर यहाँ पर काफी अच्छे जो है मैट लगाए गए हैं। ज्यादातर क्या होता है बच्चे ना खेलते खेलते गिर जाते हैं तो उन्हें चोट आ जाती है, बट इन मैट की हेल्प से उन्हें किसी भी तरीके की कोई चोट नहीं आएगी। आप देख सकते हो मेरे जस्ट पीछे यहाँ पे काफी अच्छे झूले लगाए गए हैं, साथ ही साथ लाइट्स लगाई गई हैं। मेरे जस्ट बैक में आप देख लीजिए वहां पर आपका टेनिस कोर्ट आ जाता है। सो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर जो है किड्स प्लेइंग एरिया मिल जाएगा। सिटिंग के लिए आपको गजीबोज मिल जाते हैं, वहां पर आप देख सकते हो स्टूडेंट वहाँ पे स्टडीज कर रहे हैं, बच्चों के एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, सो उसके लिए वो यहाँ पर आकर भी तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर आपका 2 से 4 साल के बच्चों के लिए किड्स प्लेइंग एरिया आ जाता है। वो इजीली यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के यहाँ पे जो है इंजॉय कर सकती हैं, बातें कर सकती हैं, साथ ही साथ आप वॉक भी कर सकती हैं और अपने बच्चों को खेलते हुए भी यहाँ पर आप देख सकती हैं। सो गाइस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हो पार्क के अंदर भी आपको सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाएगा, एक सिक्योरिटी गार्ड मिलने वाला है, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमराज यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपके बच्चे पूरी तरीके से एक सेफ्टी के अंदर यहाँ पर खेलेंगे, उन्हें किसी भी तरीके का कोई अननोन पर्सन आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरे लेफ्ट हैंड पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको एक पार्क मिल जाता है। सो गाइस इसी के साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इस पार्क के अंदर भी आपको बहुत ही अच्छे वॉकिंग ट्रैक्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी हमारी सोसाइटी के अंदर एक जेन पार्क भी बन रहा है जिसमें इस तरीके के स्टोन्स लगाए जा रहे हैं जहाँ पर अगर आप 10 मिनट वॉक करते हैं सो आपके जो बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है आपके एक्टिव हो जाते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन और भी अच्छे से वर्क करने लगता है। और अगर आप में किसी भी तरीके की ब्लड की इम्प्योरिटी है उसको भी कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू प्योर करता है। सो गाइस इसी के साथ ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जस्ट मेरे सामने हमारा अल्ट्रा लग्जीरियस क्लब हाउस आ जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 square feet में हमारा ये क्लब हाउस बनाया गया है जिसके अंदर आपको जिम रेस्टोरेंट एंड किड्स प्लेइंग एरिया भी मिल जाता है। अगर मैं जिम की बात करूँ तो जिम में मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 type of swimming pools मिल जाते हैं जिन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका आ जाता है किड्स स्विमिंग पूल, सेकेंड आपका अडल्ट स्विमिंग पूल आ जाता है। सो गाइस इसी के साथ ही अगर मैं बात करूँ सोसाइटी के अमेनिटीज की तो यहाँ पर आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं जो जस्ट आपके सोसाइटी के फ्रंट पे आ जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो आप उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से अपनी डेली नीड की परचेज जो है कर सकते हैं, डेली नीड जो है फुलफिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको जो है सोसाइटी के अंदर योगा एंड मेडिटेशन के लिए अलग से एक एरिया मिल जाता है। साथ ही साथ मेरे राइट हैंड पे आप देख सकते हो आपका बास्केटबॉल कोर्ट आ जाता है। सो इसी के साथ ही अब हम हमारे फ्लैट के जो है मेन टावर पे आ चुके हैं। अब देख सकते हो बहुत ही ग्रैंड लुक का जो है आपका ये टावर आपको मिलने वाला है। काफी अच्छा इसमें मिरर वर्क भी किया गया है, साथ ही साथ आपको जो है मिरर डोर यहाँ पे मिल जाता है। सो चलते हैं हमारे टावर के अंदर। सो गाइस अब हम हमारे टावर के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लुक में हमारे इस टावर को जो है तैयार किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो है वेटिंग एरिया आ जाता है। अगर मैं बात करूँ वॉल की तो काफ़ी अच्छा जो है वॉल पे वॉलपेपर का वर्क किया गया है। साथ ही साथ अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ काफ़ी खूबसूरत इसकी फॉल सीलिंग तैयार की गई है जिसमें काफ़ी अच्छी फोकस लाइट एंड शैंडलियर जो है लगाया गया है। अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी को लेकर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक टावर में आपको एक सिक्योरिटी गार्ड जो मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपके जो है सिक्योरिटी गार्ड आ जाएंगे। सो गाइस इसी के साथ ही एक टावर पर आपको 3 लिफ्ट मिलने वाली है जिसमें आपका जो है एक आपका सर्विस लिफ्ट रहेगा, साथ में 2 आपके पैसेंजर लिफ्ट रहेंगे। अगर मैं फ्लैट की बात करूँ एक फ्लोर पे आपको 6 फ्लैट मिलने वाले हैं जहाँ पर आपको 2 BHK 3 BHK एंड 3 BHK प्लस यूटिलिटी मिलने वाले हैं। इसी के साथ ही आपको एक फ्लोर पे 3 लिफ्ट के साथ साथ आपको 2 स्टेयरकेस भी मिल जाती हैं। सो गाइस अब हम हमारे एक्चुअल फ्लैट के मेन एंट्रेंस पे आ जाते हैं। सो यहाँ पर आपको 8 फीट का जो है वुडन का डोर मिल जाता है काफ़ी अच्छे लॉक सिस्टम के साथ। सो गाइस फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं, सबसे पहले जो है आपके लेफ्ट हैंड पे आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। तो आप देख सकते हो काफी अच्छा है, यहाँ पर आपको जो है आपका फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है। सो आप इसको एज अ गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ काफी स्पेशियस रहने वाला है, आप यहाँ पे इजीली अपना किंग साइज बेड लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इस रूम को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको डिजाइनिंग के लिए आइडियाज चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे काफी सारी वीडियोज मिल जाएंगी, आप हमारे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको थोड़े से एडवाइस देना चाहूंगी और डिजाइनिंग को लेकर। सो आप यहाँ पे वॉलपेपर लगा सकते हो, मिरर वर्क करवा सकते हो जिससे आपकी बेड बैक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। अगर मैं बात करूँ तो आप अपने रूम में काफी अच्छे फॉल सीलिंग का वर्क करवा सकते हो, यहाँ पर काफी अच्छे कर्टन्स वगैरह भी लगा सकते हो जिससे आपका जो रूम है और भी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल लगे। तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी विंडो मिल जाती है, आप देख सकते हो काफी अच्छी सनलाइट आपको इस
रूम के अंदर जो है प्रॉपर वे में मिलने वाले हैं। एयर की बात करूँ सो आप जैसे डोर ओपन करेंगे तो आपको नेचुरल एयर भी यहाँ पर मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो ये विंडो है आपकी बालकनी के साथ कनेक्ट रहने वाले हैं। अगर मैं आपको ये वॉशरूम दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। आप देख सकते हो डिसेंट साइज का आपका ये वॉशरूम रहेगा जिसपे काफी अच्छा जो है टाइल वर्क किया गया है। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूँ तो ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ आपकी वैनिटी आ जाती है, यहाँ आपकी सीट रहेगी और यहाँ पे आपका शावर एरिया आ जाता है। लाइटिंग एंड वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपकी विंडो आ जाती है। गाइस ये देखिए आपने हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब हम आ चुके हैं हमारे ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की तरफ। यहाँ आपका ड्राइंग एरिया आ जाता है। अब देख सकते हो काफी स्पेशियस आपका ये ड्राइंग एरिया रहेगा। आप चाहे तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल जो है सोफा सेट लगा सकते हैं, सेंटर टेबल लगा सकते हैं, शैंडलियर काफी खूबसूरत यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आप वॉल पे भी बहुत ही प्यारा जो है पीओपी का या पीवीसी पैनल वगैरह का वर्क करवा सकते हैं जिससे आपका ड्राइंग रूम और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे एंड यूनिक लगे। सो यहाँ पर भी आपको एक अटैच जो है विंडो मिल जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर वे में जो है सनलाइट मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको हमारी जो है बालकनी भी विजिट करवा देती हूँ। सो यहाँ पर आपकी जो है रनिंग बालकनी आ जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर आप बहुत ब्यूटीफुली अपनी बालकनी को जो है कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर पॉट्स रख सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको आयरन का काफी अच्छा वर्क देखने को मिल जाएगा। आप हाइट देखिए एक बार, बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काफी अच्छी हाइट पे जो है ग्रिल का वर्क करवाया गया है। साथ ही साथ टेक्सचर पेंट का भी काफी अच्छा यहाँ पर आपको वर्क मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हो और अपना टी एंड कॉफी भी इंजॉय कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। सो यहाँ हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है। सो यहाँ पर आप इजी अपना जो है 6-8 सीटर डाइनिंग टेबल लगा सकते हो। क्रॉकरी के लिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा जो है क्रॉकरी पैनल जो आप प्लान कर सकते हो, लगा सकते हो। साथ ही साथ इस वॉल को भी आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हो। चाहे आप इसमें काफ़ी यूनिक सी पेंटिंग वगैरह ऐड कर लो या वॉलपेपर का वर्क करवा लो तो आपका जो ये पूरा प्रॉपर ड्राइंग डाइनिंग एरिया है बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड अट्रैक्टिव लगेगा। सो अब हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ। सो गाइस यहाँ पर हमारी फुली मॉडर्न किचन आ जाती है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर आपको ग्रेनाइट मार्बल का वर्क देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ दोनों साइड आपके कैबिनेट्स आ जाते हैं। स्पेस की आपको यहाँ पे कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। हाइड्रोलिक कैबिनेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लोअर कैबिनेट्स की बात करूँ तो सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको लोअर कैबिनेट्स भी मिल जाते हैं। यहाँ आपकी डबल सिंक आ जाती है। काफी स्टाइलिश एंड क्लासिक लुक की आपकी जो है टैब्स रहेंगी। साथ ही साथ लाइट एंड वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है। यहाँ आपका जो है एक डोर आ जाता है जो आपकी बालकनी के साथ अटैच रहने वाला है। गैस पाइपलाइन जो है पहले से प्री इंस्टॉल मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ आपके होब एंड चिमनी के लिए अलग से एक स्पेस क्रिएट की गई है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर एरिया आ जाता है। आप यहाँ पे अपना सिंगल प्लस डबल डोर का रेफ्रिजरेटर इजिली स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर आपका कॉमन वॉशरूम आ जाता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर काफी ब्यूटीफुल जो है आपको टाइल वर्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी विंडो आ जाएगी लाइट एंड वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सो यहाँ पर आपकी वैनिटी रहेगी जिसपे काफी अच्छा ग्रेनाइट मार्बल का वर्क किया गया है। साथ ही साथ यहाँ आपकी सीट एंड यहाँ पर आपका शावर एरिया आ जाता है। सो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। यहाँ पर हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है। यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा स्पेस इस बेडरूम के अंदर मिलने वाला है। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए आपको काफी अच्छी विंडो मिल जाती है। आपकी एक बालकनी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो मैं आपको एक बार ये बालकनी भी दिखा देती हूँ। सो गाइस यहाँ पर भी आपको एक बालकनी मिल जाएगी जो आपकी किचन के साथ भी अटैच रहने वाली है। आप देख सकते हो काफी अच्छी आपको बालकनी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर आपको टैब्स पहले से प्री इंस्टॉल मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप अपना एक वॉशिंग एरिया भी क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस आप इस रूम को एज अ किड्स रूम भी बना सकते हैं। काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप यहाँ पे काफी अच्छे वार्डरोब जो है वो बनवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सो आप अपने बच्चों के लिए उन्हीं की पसंद के अकॉर्डिंग जो है वॉलपेपर लगा सकते हैं। लाइक बच्चों के लिए काफी अच्छे अच्छे कस्टमाइज वॉलपेपर का वर्क आप करवा सकते हो। उनके पसंद के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर थीम में जो है इस बेडरूम को तैयार कर सकते हो। सो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम यानी मास्टर बेडरूम की तरफ।
उससे पहले मैं आपको ये स्पेस दिखाना चाहूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर अपना एक पूजा एरिया भी है जो क्रिएट कर सकते हैं, आप छोटा सा मंदिर बना सकते हैं। सो अब हम आ चुके हैं हमारे थर्ड बेडरूम यानी मास्टर बेडरूम की तरफ। सो गाइस, मास्टर बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, काफी अच्छा यहाँ पर आपको जो है रूम स्पेस मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप इजीली अपना किंग साइज बेड लगा सकते हैं, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी मूविंग स्पेस होगी कि यहाँ पर आप अपना एक सिटिंग अरेंजमेंट भी प्लान कर सकते हो, एक टेबल एंड चेयर भी लगा सकते हो। अगर मैं बात करूँ बेड बाथ की, सो बेड बाथ पे आप बहुत प्यारा मिरर का प्लस इस साइड को आप पीओपी का वर्क करवा सकते हो, सेंटर में काफी अच्छा वॉलपेपर लगा सकते हो जिससे आपका बेडरूम या आपका जो बेड बैक है और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। सो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छी जो है विंडो मिल जाती है जो आपकी बालकनी के साथ अटैच रहने वाली है। आप एक बार व्यू देख लीजिए, काफी खूबसूरत आपको यहाँ पे व्यू मिल जाता है, साथ ही साथ आपको काफी अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट के लिए काफी अच्छी विंडो मिल जाती है जहाँ पर आप इजिली अपनी मॉर्निंग एंड इवनिंग की चाय जो है एंजॉय कर सकते हैं, व्यू को एंजॉय कर सकते हैं बेसिकली। तो गाइस इसी के साथ ही यहाँ पर हमें एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। सो यहाँ पर भी काफी अच्छे स्पेस में आपको आपका वॉशरूम मिलने वाला है। अगर मैं टाइल वर्क की बात करूँ, हर एक वॉशरूम में आपको डिफरेंट टाइल वर्क देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सो लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाएगी, सेंटर में आपका जो है वैनिटी आ जाता है, यहाँ आपका शावर एरिया आ जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपकी सीट आ जाती है। इसी के साथ ही यहाँ पर जो है हमें मास्टर बेडरूम में इनबिल्ट वार्डरोब भी मिलने वाली, काफी स्पेशियस आपके जो है वार्डरोब रहेंगे, वुडन लुक के साथ इसको तैयार किया गया है। सो गाइस ये देखा आपने हमारा 3 BHK फ्लैट। अब मैं आपको 3 BHK प्लस यूटिलिटी एंड 2 BHK के बारे में एक आइडिया देना चाहूंगी। जैसे कि आपने 3 BHK फ्लैट देखा, आपको एंट्रेंस पे ही एक बेडरूम मिल जाता है, लेकिन यूटिलिटी में क्या होगा 3 BHK प्लस यूटिलिटी में, यहाँ पर आपका 7x10 के साइज का एक रूम आ जाएगा जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। आप चाहे तो उसे अपना लाइब्रेरी बना सकते हो, स्टडी रूम बना सकते हो, आप चाहे तो उसको ऑफिस स्पेस की तरह भी जो है क्रिएट कर सकते हो। हमारे 2 BHK की बात करूँ सो आपका जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, लाइक आपका फर्स्ट बेडरूम का जो कॉन्सेप्ट है वो हट जाएगा, बाकी एंट्रेंस आपकी एज इट इज आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आपके वहाँ पर सामने जो है 2 बेडरूम प्लस किचन एंड वॉशरूम जो है वो आ जाएगा। सो आपको इसके बारे में बताने का पर्पस ये है कि हमारे जितने भी फ्लैट है वो सेम डिजाइन में ही प्लान किए गए हैं, फर्क सिर्फ साइज का है, बाकी एग्जैक्ट सेम आपको फ्लैट पूरे फ्लोर पे मिल जाएंगे, चाहे वो 2 BHK हो, 3 BHK हो या 3 BHK प्लस यूटिलिटी हो। सो गाइस आई होप आपको हमारा ये 3 BHK फ्लैट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप इस फ्लैट को अपना बनाना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जल्द से जल्द इस फ्लैट को अपना बना सकते हो। आज ही खरीद के आज ही आप इसके अंदर जो है शिफ्ट हो सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले जितनी भी नोटिफिकेशंस है आपको आपके फोन में मिलती रहे। थैंक यू।